हेलो क्लास फिफ्थ। आज आप साइंस में क्या स्टडी करेंगे? चैप्टर थ्री, बोन्स एंड मसल्स। तो लर्निंग पॉइंट क्या क्या चैप्टर थ्री के? बोन्स एंड स्केलेटन, जॉइंट्स, हाउ मसल्स वर्क, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन, मसल्स। ओके, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स फॉर्म द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, वाइल मसल्स आर सॉफ्ट एंड फ्लेसी पार्ट दैट कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। ओके, तो बोन्स एंड स्केलेटन। द बोन्स आर द हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। There are 206 bones of different shapes and size in an adult human skeleton. बोन्स जो होती है आपकी हार्ड स्ट्रक्चर होती है, जो कि लिविंग सेल्स और मिनरल से बनी होती है। टोटल 206 हमारे टोटल आपकी 206 बोन्स होती है आपकी बॉडी में। या द बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट स्पंजी फ्रॉम इनसाइड। दिस मेक them both lightweight and strong. They are spongy from inside because of a soft fatty substance inside them called bone marrow. The bone marrow produce new blood cells. तो यहाँ पे क्या है कि the bones are hard from outside. bones आपको hard दिखती है, लेकिन बाहर से hard होती है और अंदर से क्या होती है, spongy होती है। तो this make them both lightweight and strong. इससे हमारी bones क्या होती है, स्ट्रॉन्ग भी रहती है और लाइट वेटेड भी रहती है। दे आर स्पंगी फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से स्पंगी क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक जो सब्सटेंस भरा होता है उसको आप क्या कहते हैं, बोन मैरो। द बोन मैरो प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल, और बोन मैरो का जो वर्क है वो क्या करना है, न्यू ब्लड सेल प्रोड्यूस करना है। The framework of bones that give shape and support to the body is known as skeleton. It is covered with muscles and skin. It protect our internal organs and help us to stand upright. For example, the skull protect the brain, the backbone protect the spinal cord, and the rib cage protect the heart and the lungs. तो यहाँ क्या है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन दैट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। यानी जो आपकी बोन्स का जो ढांचा है, फ्रेम, उसको आप क्या कहते हैं, स्केलेटन कहेंगे। और इट इज कवर्ड विथ मसल एंड स्किन, और जो आपकी बोन्स होती है किससे कवर्ड होती है, मसल से और स्किन से। और स्केलेटन सिस्टम का या बोन्स का जो वर्क है वो क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना है और हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रखना है। जैसे आपका स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को। और जो रिब केज होता है वो आपका हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड लिम्स। लेट अस स्टडी अबाउट देम। स्कल स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। एन एडल्ट स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। 8 फ्लैट बोन्स आर इंटरलॉक टुगेदर टू फॉर्म द ब्रेन केस। द अदर 14 बोन्स फॉर्म द फेस, द फेशियल फीचर्स। ओके, तो स्कल आपका जो होता है, यहाँ पे आपके सबसे हार्डेस्ट बोन्स रहती हैं कह सकते हैं आप। एंड और इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन रहता है और सेंस ऑर्गन्स रहते हैं स्कल के अंदर। और एन एडल्ट स्कल इज मेड ऑफ 22 बोन्स। एक एडल्ट में, यानी जो बड़े लोग होते हैं, उनके स्कल में 22 बोन्स होती है, जिसमें से 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक्ड होती है एक दूसरे से, और जो अदर 14 बोन्स होती हैं वो आपकी कहाँ पे होती हैं, फेस पे रहती हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्कल का स्ट्रक्चर। ऑल बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड एक्सेप्ट द लोअर जॉज। द मूवेबल लोअर जॉज एनेबल अस टू टॉक एंड ईट। द अपर एंड लोअर जॉज कंटेन टीथ
दैट हेल्प अस कटिंग एंड चीविंग द फूड। तो ऑल बोन इन स्कल आर फिक्स, जितनी क्या कहते हैं स्कल्स की बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, एक्सपेक्टेड द लोअर जॉस, लोअर जॉस को छोड़ के, नीचे वाले जो जबड़ा होता है उसको छोड़ करके, द मूवेबल लोअर जॉस इनेबल अस टू टॉक एंड ईट। और जो आपका लोअर जॉस मूव करता है, इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, टॉक करते हैं और ईट करते हैं। द अपर एंड लोअर जॉस कंटेन टीथ दैट हेल्प अस कटिंग एंड चीविंग द फूड। देन रिब केस, द रिब केस इज मेड अप ऑफ द 12 पेयर ऑफ द थिन कर्ड बोन्स, दे आर अटैच टू द बैक बोन एट द बैक एंड सो द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। द रिब्स केज प्रोटेक्ट द लंग्स, हार्ट एंड द किडनीज। तो रिब केज में क्या है कि द रिब केज इज मेड अप ऑफ द 12 पेयर ऑफ द थिन कर्ड बोन्स। रिब केज में आपकी 12 पेयर होती हैं बोन्स की, जो कि एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। दे आर अटैच टू द बैक बोन, और पीछे आपकी बैक बोन से भी अटैच होती हैं। ओके, और द लास्ट टू पेयर ऑफ रिब आर नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन। जो लास्ट का टू पेयर होता है रिब केज का, वो एक तरीके से अटैच नहीं होता है रिब से। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, और इनको क्या कहेंगे आप, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट, और रिब केज क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, लंग्स, हार्ट और किडनी को, ये आप देख सकते हैं। रिब केज, बैकबोन, ये बैकबोन का फिगर है। द बैकबोन फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ओके, जो बैकबोन होती है वो बॉडी की मेन एक्सिस होती है, बट इज नॉट मेड ऑफ अ सिंगल बोन, लेकिन ये सिंगल बोन से नहीं बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, इसमें आपकी टोटल 33 छोटी छोटी बोन्स होती है, और ईच ऑफ दीज बोन्स इज कॉल्ड वर्टिब्रा, और ईच पार्ट को आप क्या कहेंगे, वर्टिब्रा कहेंगे। देयर फोर द बैक बोन इज ऑल्सो नोन एज द वर्टेबल कॉलम, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, वर्टेब्रल कॉलम भी कह सकते हैं। और इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, विच इज बंडल ऑफ द नर्व दैट एक्सटेंड डाउन यार्ड फ्रॉम द ब्रेन। तो ये इसी के अंदर से आपके स्पाइनल कॉर्ड्स होके जाती हैं, ठीक है। कहाँ तक जाती हैं, ब्रेन तक, ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी तक फैली रहती हैं। देन लिम्स, आवर बॉडी हैज टू पेयर ऑफ लिम्स, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स, यानी जो हैंड आता है आपका वो फोर लिम्स में आएगा, और जो लेग आता है वो आपका हिंड लिम्स में हो जाएगा। फोर लिम्स देखिए, फोर लिम्स आर आवर आर्म्स, द आर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अपर आर्म एंड द लोअर आर्म, दे आर ज्वाइंट टूगेदर एट एल्बो। द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन, द लोअर आर्म हैज टू बोन, द अपर आर्म इज ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय द शोल्डर ग्रिडल एंड द हैंड हैज मैनी स्मॉल बोन्स, ये देख सकते हैं आपका, इसी को आप हैंड यानी फोर लिम्स में आपका आता है ये, ठीक है। और इसके टू पार्ट्स होते हैं, ये देख सकते हैं आपका, एक पार्ट तो फिगर में देखिएगा, मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये हो गया आपका। ओके, अपर पार्ट में आपने देखा ये जो ये वाला पार्ट है, इसमें आपकी वन बोन है, और यहाँ पे टू बोन है, और हैंड में आपका ये मैनी बोन्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपकी कई सारी बोन्स हैं। देन है हिंड लिम्स। ओके, ये फिगर है हिंड लिम्स का। हिंड लिम्स आर आवर लेग्स, द लेग इज आल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द अपर लेग एंड द लोअर लेग, दे आर ज्वाइंट टूगेदर एट द नी। द अपर लेग हैज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी कॉल्ड द फीमर, द लोअर लेग हैज टू बोन्स, द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन इज ज्वाइंट टू द फीमर बाय द हिप ग्रिडल, द फुट हैज मैनी स्मॉल बोन्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है, हिंड लिम्स आर आवर लेग्स। ओके, द लेग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स,
जैसे हैंड्स में आपके टू पार्ट्स थे, वैसे और लेग में भी टू पार्ट्स होते हैं। और एक अपर पार्ट, ये वाला देखिए फिगर में, देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ आपका, ये आपका हो गया अपर पार्ट और ये नीचे लोअर पार्ट हो गया। ओके, क्या था? द अपर पार्ट लेग हैज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। जो अपर पार्ट होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉडी होती है हमारे बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी की, जिसको आप फ्यूमर कहते हैं। और द लोअर लेग हैज टू बोन्स, लोअर लेग्स में आपको टू बोन्स मिलेंगी। द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन इज ज्वाइन टू द फीमर बाय द हिप। जो लोअर पार्ट होता है फीमर, यानी जो ये बड़ी वाली बोन थी उससे अटैच रहती है, और फिर किससे, वो ग्रिडल से आपका ज्वाइंट होता है। द फुट हैज मैनी स्मॉल बोन्स, और नीचे आपकी कई सारी बोन्स होती हैं फुट में। देन ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स आर द प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स फिट टुगेदर। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स कार्ड लिगमेंट्स। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ बोन्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन आवर स्केलेटन, मूवेबल एंड इमोबल। लेट अस स्टडी अबाउट दिस ज्वाइंट इन डिटेल। तो यहाँ देखिए क्या, ज्वाइंट्स आर द प्लेस वेयर टू आर मोर बोन्स फिट टूगेदर। ज्वाइंट वो प्लेस होता है जहां पे टू या फिर टू से मोर बोन्स ज्वाइंट होती, जुड़ती हैं। बोन्स आर हेल्ड टूगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लिगमेंट्स। तो जो बोन्स यहाँ पे जिससे जुड़ती हैं उसको आप क्या कहेंगे, लिगमेंट्स कहते हैं। और दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द बोन्स, ये हमारी बोन्स के मूवमेंट्स को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, दो तरीके के ज्वाइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, एक होता है आपका मूवेबल और एक होता है नॉन मूवेबल। इमूवेबल ज्वाइंट्स, द इमूवेबल ज्वाइंट्स डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स, यानी ये जो ज्वाइंट्स होते हैं बोन्स को मूव नहीं करने देते हैं। द ज्वाइंट्स ऑफ स्कल, द ज्वाइंट बिटवीन द रिब केस एंड ब्रेस्ट बोन एसेट्रा आर द इमूवेबल ज्वाइंट्स। देन आपका मूवेबल ज्वाइंट्स, द मूवेबल ज्वाइंट्स प्रोवाइड फ्री मूवमेंट टू द बॉडी एज दे कंटेन इन अ लुब्रिकेटिंग लिक्विड। तो जो मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं वो बॉडी को मूव करने देते हैं। आवर बॉडी हैज फोर काइंड्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स, पिवट ज्वाइंट्स, ग्लैंडिंग ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, यानी ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ऑल डायरेक्शन में बॉडी को मूव करने देते हैं बोन्स को। इन दिस ज्वाइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन्स फिट इनटू द सॉकेट और होलो ऑफ अनदर बोन्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स आर फाउंड इन शोल्डर एंड हिप्स। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। तो एक बॉल है, ये देखिए फिगर से, में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला क्या है बॉल है, ऊपर क्या है सॉकेट है। तो इसमें ऐसे फिट हो जाता है कि ऑल डायरेक्शन में आपकी बोन्स क्या करती है, फिर मूव करती है। और ये ज्वाइंट्स आपको शोल्डर और हिप्स में देखने को मिल सकता है। देन हिंज ज्वाइंट्स, अ हिंज ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, केवल आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ हिंज ऑफ अ डोर, यानी ये जैसे दरवाजा जो होता है डोर, डोर केवल आपका वन डायरेक्शन में मूव करता है, ओपन होता है, वैसे ही जहां पे ज्वाइंट होती है बोन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ये ज्वाइंट्स आप कहाँ देखने को मिल सकते हैं, एल्बो में, नी में, टो में एंड फिंगर में। तो देखा होगा एल्बो आपका वन साइड में ही ओपन होता है, नी भी ऐसे है, ऐसे फिंगर से होती है वन साइड में ही ओपन होती है, उसके बैक साइड पे अगर ओपन करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी बोन्स, ये देख सकते हैं आप। ओके, देन पिवट ज्वाइंट्स, पिवट ज्वाइंट्स इज वेयर द स्कल मीट्स द टॉप वर्टिब्रे। इट अलाउज अस टू बेंड आर
bent our head up, down and sideways. Okay. Then glanding joints. A glanding joint allow the bones to slide against each other in a glanding motion. It is found in the wrist, ankle and the vertebrae of the spine. ये three places पे आप देख सकते हैं, wrist में, ankle में and vertebrae में. रीढ़ की हड्डी vertebrae जिसे आप कहते हैं backbone. Okay. Muscles. The muscles are fleshy tissue which are connected to the bones. ये bone से connected होते हैं. By strong fibers, जिसको आप क्या कहेंगे, tendons. Our body contain more than 600 muscles. हमारी body में 600 से भी ज्यादा muscles रहे. यहाँ पे क्या, the strongest muscles is the human body is the tongue. Okay, tongue जो होती है सबसे strongest muscles में आती है. Types of muscles. Muscles are divided into two main groups. Voluntary muscles and involuntary muscles. तो voluntary muscles क्या होती है, देख सकते हैं ये voluntary muscles का figure है. The skeleton muscles lies between the skin and the bones. The skeleton muscles have voluntary movement, that is skeleton muscles can move at our will. So these are called voluntary muscles. Our arms, leg, neck, shoulder, etc. have voluntary muscles. यानी ऐसी muscles जो आपकी will पर, आपकी इच्छा से move करती है, उसको आप क्या कहेंगे? Voluntary muscles. So कहाँ कहाँ मिल सकती voluntary muscles? Arm में, leg में, neck में, shoulders में. Okay? Involuntary muscles. Muscles of some body organs such as wall of stomach and intestine are smooth. So these muscles work on their own. So these are called involuntary muscles. यानी ऐसी muscles जो अपने से work करती है, जिन पे हमारा control नहीं होता, वो आपका involuntary muscles में आते हैं. Involuntary muscles of our heart are called cardiac muscles. They work continuously, लगातार work करता है, without stopping and without getting tired. The contraction मतलब सिकुड़ना and expansion मतलब फैलना, आप cardiac muscles count one heartbeat. ठीक, तो एक बार सिकुड़ना और फैलना cardiac muscles का क्या कहलाता है, आपका one heartbeat, धड़कन कह सकते हैं. How muscles work? Muscles work in pair of contraction and expansion. यानी muscles contraction और expansion के जरिए work करती है. When one muscles contract, it become tighter, okay, and shorter. जब कोई muscles contract करती, सिकुड़ती है, तो वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा tight हो जाती है और shorter हो जाती है. And the other one relax and goes back of its original shape. For example, biceps and triceps are the two muscles that move your lower arm up and down. To raise the arm, biceps contract. जब अपने आप हैंड को उठाते हैं तो बाइसेप्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड दिस पुल द आर्म अपवर्ड. टू लोअर द आर्म, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट. जब अपने हैंड को आप डाउन करते, नीचे करते हैं, तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल्स द आर्म डाउन यार्ड.